हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस के। हम मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस को कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो आज हमने यहाँ पे टू क्वेश्चन लिए हुए हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, कवर करिए, और प्लस और माइनस के फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप सभी वीडियोज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन कैसे करेंगे? 4/7 मल्टीपल साइन 5/6, यहां पर देखिए फ्रैक्शन दिए जाएंगे। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए मिले तो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर जो भी आपको दिए जाए न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी अंश अंश का मल्टीप्लाई करोगे और हर हर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, 4 × 5/7 × 6। ठीक है, इस तरह आप इसे नोट कर सकते हो। क्या करना होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो 4 × 5 लिख लो अपॉन, इसके बाद 7 × 6 यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 6 यहां पर हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। यहां पर इसके बाद देखिए, यहां पर अगर नंबर कुछ कट हो रहे हो यानी ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर कुछ कट हो रहा है, किसी टेबल से कट हो रहा, तो आप कट भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए कट हो रहा है, ये 2 से कट हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो हम कट भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, और किसी भी यहां पर क्वेश्चन पे नहीं कट रहे हैं, और देखिए यहां पर कुछ भी नंबर नहीं कट हो रहे हैं। यहां पे देखिए 2 से ना 7 कट हो पाएगा ना 5 से 3 कट हो पाएगा, तो जो नहीं कट होंगे उससे मत कट होने दीजिए। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 5 = 10 और 7 × 3 = 21, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 10/21 हो गए। अब ये भी किसी नंबर से कटेंगे नहीं, तो दैट इज द राइट आंसर, कंप्लीट हो गए। इस तरह मल्टीपल फ्रैक्शन कर सकते हो, बिल्कुल इजली है। बहुत ध्यान से प्लस माइनस को पहले वीडियो से उसके रूल अलग है, मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, ऊपर आई बटन में भी हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए, कट अगर नंबर हो रहा है तो कट कर लीजिए आराम से और फिर उसके बाद सोल्यूशन करिए, दैट इज द राइट आंसर। सेम बिल्कुल यही प्रोसेस इसमें है, बस यहां पर देखिए एक ये फ्रैक्शन दे दिया है मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्यूशन करोगे इसको जरूर आप सीख लो। हमेशा ध्यान रखिए, जो साइड के नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे यानी 8 × 1 = 8 हो जाएगा, और जो ऊपर का नंबर दिए उसको प्लस कर देते हैं, यानी 8 × 1 = 8 और 8 में 4 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 8 × 1 = 8 और 8 में 4 प्लस करो तो आंसर क्या मिलेगा, 12/8 लिख लेंगे। तो आई होप ये मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना समझ में आ गए होंगे। कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले साइड साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर हो आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 हो तो 8 × 2 = 16 होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी नंबर 1 ही हो, जो भी नंबर हो उनका मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमरेटर नंबर दिया जाता है उसको प्लस कर देते हैं, तो 8 × 1 = 8 और 8 में 4 प्लस कर दो तो 12/8 मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीपल का साइन लगाइए, यहां पर क्या लिख लीजिए 5/7। अब देखिए मल्टीपल में चेंज हो गया, फ्रैक्शन चेंज हो गया, अब बिल्कुल सेम यही प्रीवियस प्रोसेस जो आपको पहले पढ़ाया हुआ है हमने। क्या करना होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई यानी 12 × 5 लिख लोगे और नीचे क्या होगा 8 × 7, तो यहां पर नोट कर लिए। अब यहां पर देखिए कि कोई अगर टेबल नंबर कट हो रहा है तो बिल्कुल कट कर सकते हो, जैसे 12 और 8 दिख रहा है, 2 से कट हो जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, बिल्कुल कट हो रहा है। 6 और 4 फिर से कट हो रहा है तो फिर से कट कर लो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। ठीक है, अब देखिए 3 से ना 7 कट होगा ना 5 = 2 और 2 से ना 5, अब कोई नंबर यहां पर कट ही नहीं होंगे तो बिल्कुल मत कट होने दीजिए। ठीक है, जो भी नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 × 5 = 15 अपॉन 2 × 7 = 14, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2 × 7 = 14, दैट इज अ राइट आंसर, कंप्लीट हो गया। इस तरह अगर क्वेश्चन आ रहे हो एग्जामिनेशंस में तो बिल्कुल आप इस तरह इजिली तरीके से इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और आज पढ़ा रहे फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। आने वाली वीडियो में फ्रैक्शन डिवाइडेशन भी कंप्लीट करवा देंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन आगे प्रेस कर लो, जिससे आपको जैसे वीडियो अपलोडेड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लिक करके उन सभी वीडियोज को आप पढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे लिखेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, जल्दी से फ्रेंड को अपने शेयर कर जरूर कर दीजिए, इससे क्वेश्चन सभी रिलेटेड पढ़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में डिवाइडेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।